पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार को एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की के अपने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम में अब की बार हम काफी प्रेरक ऐसी कविता लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के नाम से मशहूर हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत सोहनलाल द्विवेदी जी की ऊर्जा और चेतना से भरपूर कविता लहरों से डर कर नौक पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दो रचनाएं। पहली अतीत की में सोहनलाल द्विवेदी जी की यही कविता लहरों से डर कर नौक पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सुनते हैं। साथ ही रचनाकार गीतकार व संगीतकार इंजीनियर डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन की वर्तमान की रचना राम श्री राम का लो नाम इंजी डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन व सह गायक इंजी सौरभ शुक्ला जी के स्वर में सुनते हैं। हमारी आज की पहली रचना में कोशिश की बात है तथा दूसरी रचना में सेतु बंधन की कोशिश है जो सफल हुई। कोशिश करने वालों यानी वानरों की हार नहीं हुई। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भारतीय संस्कृति की एक ऊंची परंपरा का निर्वाह करते हुए आइए हम डॉक्टर दुर्गेश ब्योहार दर्शन जी एवं इंजी सौरभ शुक्ला जी का भावभीना स्वागत करें। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार श्री प्रमोद श्रीवास्तव का है। कार्यक्रम को निरंतरता देने का श्रेय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति को है तथा इस प्लेटफॉर्म के संपूर्ण देश से जुड़े हमारे विलक्षण साहित्यकार बच्चों के निर्मल मानस पटल पर साहित्य के अमित एवं अमोघ प्रभाव को अंकित करने का तथा देश की गरिमा से उन्हें गौरवान्वित महसूस कराने का महान कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। सभी को साधुवाद देते हुए आइए एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की हमारी टैगलाइन को हम मिलकर दोहराएं कि मरण उपरांत जीने की है। यदि चाह तुझे तो सुन बतलाता हूँ सीधी राह तुझे, लिख ऐसी कोई चीज कि दुनिया डोल उठे या कर कुछ ऐसा काम कि जमाना बोल उठे और लहरों से डर कर नौक पार नहीं होती सुने। उससे पहले हम विस्तार से जानते हैं इस प्रेरक कविता के महान प्रेरक कवि सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश के बिंदकी नामक गांव में हुआ। सोहनलाल द्विवेदी की शिक्षा हिंदी में एमए रही। इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में आपका स्थान सर्वोपरि है। महात्मा गांधी पर आपने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी है जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हुई है। आपने गांधीवाद के भाव तत्व को वाणी देने का सार्थक प्रयास किया है तथा अहिंसात्मक क्रांति के विद्रोह व सुधारवाद को अत्यंत सरल सबल और सफल ढंग से काव्य बनाकर जन साहित्य बनाने के लिए उसे मर्मस्पर्शी और मनोरम बना दिया है। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सोहनलाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के एक ऐसे विराट कवि थे जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृति करने, उनमें देशभक्ति की भावना भरने और नवयुवकों को देश के लिए बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रेरित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। पुनर्तः राष्ट्र को समर्पित गांधीवाद से प्रेरित उनकी यशस्वी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। राष्ट्र धर्म उनके काव्य का मूल मंत्र है। राष्ट्र प्रेम से प्रेरित अपने ओजस्वी गीतों द्वारा जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाने में उन्हें जो लोकप्रियता मिली उसी ने उन्हें जन सामान्य में राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी पर लिखे गए एक लेख में अच्युत्यानंद मिश्र ने लिखा है, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय नवजागरण के उत्प्रेरक ऐसे कवियों के नाम हैं जिन्होंने अपने संकल्प और चिंतन, त्याग और बलिदान के सहारे राष्ट्रीयता की अलग जगाकर अपने पूरे युग को आंदोलित किया था, गांधी जी के पीछे देश की तरुणाई को खड़ा कर दिया था। सोहनलाल जी उस श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बार लिखा था, जहां तक मेरी स्मृति है जिस कवि को राष्ट्रकवि के नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया वे सोहनलाल द्विवेदी थे। गांधी जी पर केंद्रित उनका गीत युगावतार या उनकी चर्चित कृति भैरवी की पंक्ति वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो हो जहां बलि शीश अगणित एक सिर मेरा मिला लो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे अधिक प्रेरणा गीत था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सोहनलाल जी के सहपाठी थे, उन्होंने सोहनलाल द्विवेदी जी पर एक लेख लिखा था, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज में उनकी कविताओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्हें गुरुकुल महामना मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद प्राप्त था। अपने साथ स्वतंत्रता संग्राम में जूझने के लिए नवयुवकों की टोली बनाने में वे सदा सफल रहे। भाई सोहनलाल जी ने थोक पीट कर मुझे भी कवि बनाने की कोशिश की थी। छात्र कवियों की संस्था सुकवि समाज के वे मंत्री थे और मैं संयुक्त मंत्री। बहुत जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि यह क्षेत्र मेरा नहीं है, फिर भी उनके प्रेरणादायक पत्र मिलते रहते थे।
यह बात शायद वे भी नहीं जानते थे कि हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने उन्हीं के उत्साहप्रद पत्रों के कारण लिखी थी। 1930 में काशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गांधी पधारे तो युवा कवि सोहनलाल द्विवेदी ने खादी गीत से उनका अभिनंदन किया। उनके गीत की इन पंक्तियों से उपस्थित जनसमूह रोमांचित हो उठा। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इनमें मान भरा, अन्याय का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। यह खादी गीत जनता में इतना लोकप्रिय हुआ कि कुछ ही दिनों के देश भर में इसकी धूम मच गई। द्विवेदी जी गांधी जी को अपनी प्रेरक विभूति मानते थे। 1944 में गांधी जी हीरक जयंती के अवसर पर उनके अभिनंदन हेतु जो गौरव ग्रंथ प्रकाशित हुआ उसके संपादन का श्रेय भी सोहनलाल द्विवेदी जी को ही प्राप्त है। यह उनकी एक चरम उपलब्धि थी। द्विवेदी जी ने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार युगावतार गांधी जी की समग्र भावना से वंदना की है। उन्होंने अपनी प्रथम रचना भैरवी गांधी जी को ही समर्पित की थी। उन्होंने गांधी को महामानव का स्थान देकर उनके संदेश को अपने काव्य का मूल विषय बनाया और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। खादी, अहिंसा और सत्याग्रह उनके काव्य का प्रेरक स्वर रहा। सोहनलाल द्विवेदी को युग कवि कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। उनकी रचनाएं ओजपूर्ण एवं राष्ट्रीयता की परिचायक हैं। गांधीवाद को अभिव्यक्ति देने के लिए इन्होंने युगावतार, गांधी, खादी गीत, गांवों में किसान, दांडी यात्रा, त्रिपुरी कांग्रेस, बड़ो अभय, जय जय जय, राष्ट्रीय निशान आदि शीर्ष से लोकप्रिय रचनाओं का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त आपने भारत देश ध्वज, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र नेताओं के विषय की उत्तम कोटि की कविताएं लिखी है। इन्होंने कई प्रयाण गीत लिखे हैं जो प्रासयुक्त होने के कारण सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। उनकी भैरवी काव्य संग्रह की प्रथम कविता बहुत लोकप्रिय हुई। 1 मार्च 1988 को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी चिर निद्रा में लीन हो गए। आइए अब ध्यान से सुनते हैं एक रचनाकार दो रचनाएं अतीत एवं वर्तमान की यह उत्कृष्ट रचना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी तो बेकार नहीं होती, कोशिश 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 करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस
किसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली तो हर बार नहीं होती। कोशिश 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 करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता चुनौती है, इसको स्वीकार करो। असफलता चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का ये मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश 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 करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार 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 नहीं होती। Oh,
कर उठाते, नल और नील के पास लाते, राम नाम उन पर लिखाते, सागर के जल में बहाते। वानर दल पत्थर उठाते, नल और नील के पास लाते, राम नाम उन पर लिखाते, सागर के जल में बहाते। राम नाम प्रताप से आसान होता काम, राम श्री राम श्री राम डालो नाम, राम श्री राम श्री राम का लो पर तैरते पत्थर वो जल पर, पत्थर से पत्थर सिमट कर बंध रहा से तो सागर पर। राम नाम लिखा है जिन पर, तैरते पत्थर वो जल पर, पत्थर से पत्थर सिमट कर बंध रहा सेतु सागर पर। सेतु बंधन होते होते होने लगे शाम, राम श्री राम श्री राम डालो नाम, राम श्री राम श्री राम का लो नाम। प्रभु का पड़ा फिर वानर दल आगे बढ़ा, सागर कर जोरे खड़ा, दर्शन का पुण्य मिला बड़ा। प्रथम पग प्रभु का पड़ा फिर वानर दल आगे बढ़ा, सागर कर जोड़े खड़ा, दर्शन का पुण्य मिला बड़ा। सागर पार आ गए सब सेना के संग, राम राम श्री राम का लो नाम, राम श्री राम श्री राम का लो नाम। नील नली कपी दो भाई,
पाई लड़िकाई ऋषि आशीष पाई दिन के परस किए गिर भारे तरही जलधि प्रताप तुम्हारे श्री रघुवीर प्रताप तेरामा सिंधु तरे पाषाण रामा प्रेमति मंद राम तजि रामा भजहिं जाइ प्रभु आन रामा बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा देखी कृपा निधि के मन भावा चली से कछु बर न जाय कर जही मर कट भट समुदाय राम जप कर राम लिख कर कर लो पूरन काम राम श्री राम का लो नाम राम श्री राम का लो नाम राम श्री राम का लो नाम राम श्री राम का लो नाम।